देखो जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी काम से दिल्ली एनसीआर का बुलावा तो पक्का आया होगा। चलो दिल्ली ना सही, एनसीआर तो पक्का आए होंगे। और एनसीआर आते हुए अगर ये एपिक सिटी आपने मिस कर दी है तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू वेव सिटी। तो अब हम आ गए हैं वेव सिटी के अंदर, दिल्ली एनसीआर की एक ऐसी स्मार्ट सिटी जहां आपको लग्जरी और कन्वीनियंस दोनों का स्वाद एक साथ मिलेगा। हाईटेक सिटी की हर एक फैसिलिटी आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगी। डोंट बिलीव इट, लेट्स एक्सप्लोर इट। इतने सुंदर ग्रीन पार्क, सेंट्रल लैंडस्केप और वाइड रोड्स करण जौहर की मूवी के बाद आपको यहीं मिलेंगे। और तो और द चेरी ऑन टॉप इज कि आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फैसिलिटी की भी अवेलेबिलिटी यहाँ मिलेगी। तो अगर आप भी मेरे जैसे हैं और आपके भी 50 बहाने रहते हैं कि घर में स्पेस नहीं है या वाइब नहीं है एक्सरसाइज करने की, तो अब वो बहाने भी गए क्योंकि आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फैसिलिटी का भी फायदा उठा सकते हैं। इस टाउनशिप में आपको अलग अलग टेम्पल्स, प्रार्थना स्थल और कम्युनिटी सेंटर भी मिलेगा, तो आपकी सुबह और शाम की पूजा का प्रबंध भी वेव सिटी ने किया हुआ है। यहाँ पर इस टाइम पर ग्रैंड स्कॉन टेम्पल बन रहा है। स्कॉन टेम्पल के जस्ट पास में ही भव्य दिगंबर जैन मंदिर भी बन रहा है। तो अब हम आ गए हैं कम्युनिटी सेंटर। अगर आपको अपना कोई पर्सनल फंक्शन या कल्चरल एक्टिविटी करनी हो तो ये हॉल आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। कम्युनिटी सेंटर के जस्ट लेफ्ट में है ये पूजा स्थल जिसके अंदर एक दुर्गा जी का मंदिर है, तो आप अपनी पीसफुल वाइब्स के लिए, प्रार्थना करने के लिए यहाँ हमेशा आ सकते हैं। आपकी मॉर्निंग वॉक्स और जॉगिंग के लिए और दिन भर की थकान को मिटाने के लिए अगर आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए तो ये बहुत बड़ा सा सेंट्रल पार्क भी आपके लिए अवेलेबल है। आपकी हॉबीज़ और अलग अलग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी अवेलेबल है। अब मैं आपको बताती हूँ इस टाउनशिप की एक यूनिक चीज़ के बारे में। ये है एक 4 किलोमीटर लंबी कैनाल वॉक। यहाँ पर आप अपने इवनिंग स्ट्रोल के लिए अपने फैमिली या अपने दोस्तों के साथ शाम में आ सकते हैं। तो मैंने आपको बोला था ना कि वेव सिटी जैसी फैसिलिटीज़ आपको कहीं नहीं मिलेंगी, तो उनमें से एक है ये 200 यार्ड्स का वेव सिटी गोल्फ रेंज। आपके हर शौक का इंतजाम हमने करा हुआ है। वेव सिटी के अंदर ही किड्जी और स्टैनफोर्ड जैसे स्कूल्स प्री स्कूलिंग और डे केयर के लिए अवेलेबल हैं, और फर्दर स्कूलिंग के लिए भी यहाँ पर बहुत से टॉप स्कूल्स अवेलेबल हैं जैसे रायन इंटरनेशनल, गुरुकुल, गॉस इंटरनेशनल और DPS बस कुछ ही मिनट की दूरी पर। हायर एजुकेशन के लिए भी आपको कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ ही मिनट की दूरी पर ABES, AKGEC, IMS गाज़ियाबाद और RKGIT जैसे कॉलेजेस भी अवेलेबल हैं। आपकी हेल्थ भी हमारी प्रायोरिटी है, तो अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी या रूटीन चेकअप कराने जाना है तो डोंट वरी, यहाँ से कुछ ही मिनट की दूरी पर अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं जैसे मणिपाल हॉस्पिटल, सर्वोदया हॉस्पिटल, वेव हॉस्पिटल एंड यशोदा हॉस्पिटल। तो पढ़ाई की बात हो गई, हॉस्पिटल्स की बात हो गई, अब आ जाते हैं मेरी फेवरेट चीज़ पर, खाना पीना और चिल का क्या सीन है। तो उसका आंसर भी वेव सिटी के पास है। यहाँ से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर आपको मिलेगा गौर सिटी मॉल और 15 मिनट की दूरी पर मिलेगा नॉर्थ इंडिया मॉल। गौर सिटी मॉल में आपको फाइन डाइनिंग से लेकर गैजेट शॉप्स और बड़े बड़े ब्रांड्स की शॉप भी अवेलेबल हैं, तो मन खोलकर आप वहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब मैं आ गई हूँ अपनी फेवरेट जगह, वेव गलेरिया मार्केट। यहाँ एक ही छत के नीचे आपको अपना डेली यूज़ का सामान, ग्रोसरीज से लेकर साबुन, तेल, दवाइयाँ सब कुछ यहाँ अवेलेबल मिल जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ही वेव सिटी है और मैं आ गई हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे, और यहाँ का मेजर डेवलपमेंट इस 14-लेन हाईवे की वजह से ही हुआ है। वेव सिटी के लेफ्ट से आप दिल्ली एंटर कर सकते हैं और राइट से मेरठ, तो ये तो ऐसा हुआ कि दोनों हाथों में लड्डू, तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। वेव सिटी से मेरठ और नोएडा का इंटरसेक्शन भी बहुत पास है, तो ये इस जगह को और भी ज़्यादा कन्वीनियंट बनाता है। तो दोस्तों, DMXP के अलावा यहाँ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और गाज़ियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन भी है जो वेव सिटी को हर जगह से कनेक्ट करता है। तो अब हम जा रहे हैं वेव सिटी से कनॉट प्लेस और मैं आपको रियल फुटेज दिखाती हूँ। इस टाइम किलोमीटर की रीडिंग्स है 33,430 किलोमीटर्स और टाइम हो रहा है 5:24। अब हम वहाँ पहुँच के रिकॉर्ड करेंगे कि कितना हमें टाइम लगा और कितने हमने किलोमीटर्स कवर करे हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं वेव सिटी से CP, वो भी सिर्फ 30 मिनट्स में। सो वी हैव कवर्ड 32 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स। तो अभी अब हमने CP घूम लिया है, अब हम CP से जा रहे हैं अक्षरधाम और हम देखेंगे कि वहां से वेव सिटी हम कितनी देर में पहुंचते हैं। तो अभी हो रहे हैं 6:20 और हम अक्षरधाम से निकल रहे हैं वेव सिटी के लिए, और अब देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा।
अभी हम अक्षरधाम से वेव सिटी वापस आए हैं। मैं वहाँ से निकली थी 6:20 पे। अभी हो रहे हैं 6:42 PM। हमें टोटल 22 मिनट्स लगे टू कवर 26 किलोमीटर। तो अगर आप भी NCR में हाई लाइफस्टाइल और लग्जरी प्रोजेक्ट देख रहे हैं जहाँ आप इजीली, हैप्पीली और हेल्दीली रह पाएं, देन वेव सिटी इज द आइडियल प्लेस फॉर यू। सो दोस्तों, दिस वॉज माई ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ वेव सिटी एंड आई कैन ट्रूली से दैट इट वॉज इम्प्रेसिव। तो आप कब आ रहे हैं?